हेलो देश के वीर सैनिकों, क्या हालचाल। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, राइट। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स हूज एज इज 6 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आपको क्या दिया हुआ, एज दिया हुआ है, और ये आपका क्यूब है। क्यूब की सभी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, राइट। ये आपका स्क्वायर का 3D फिगर है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, राइट। जैसे आपका पासा होता है, यानी डाइस जिसको आप बोलते हो, तो ये आपका उसी शेप का है। और यहाँ पे इसका एज कितना है, 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, साइड का क्यूब, राइट। तो यहाँ पे आपको साइड कितनी दी है, 6, तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 × 6 × 6, 6 × 6 = 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, तो 6 × 36 कैरी 3, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 21, तो 216 cm³ ये आपका आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 40 cm, 10 cm एंड 20 cm रिस्पेक्टिवली, एंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब इज 12 cm, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको क्यूबॉइड दिया है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये आप निकालेंगे L × B × H से, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो कि आपका होगा 40 × 10 × 20, मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, राइट। क्योंकि मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि लास्ट में आपकी क्या है, 0 है, तो इसमें 3 0 लास्ट में आप लगा दीजिए। या नॉर्मली क्या करेंगे, 40 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 400, इसको फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में कितना आएंगे, 3 0, 4 × 2 = 8। तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी अपनी ट्रिक है, ओके दोस्त। अब ये तो निकला आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि साइड 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 12 का क्यूब, यानी 12 × 12 × 12, तो 12 × 12 = 144 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 1728। तो यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल दो, यानी 8000 में से आप 1728 को माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में 2 गया 7, यहाँ पे आपका बचा 9, 9 में 7 गया 2, और यहाँ पे बचा आपका 7, 7 में 7 गया 6, सो 6272 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका डिफरेंस आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 मीटर एज विल फिट इन अ क्यूबॉइड बॉक्स 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाइट। तो ये कहना ये चाह रहा है, एक्चुअली ये आपका क्यूबॉइड है, ओके, और इसमें इस बड़े साइज में आपका कितने 2 मीटर साइड वाले क्यूब फिट हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालो और उसमें इसके एक वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, यानी इसका टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 4 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और यहाँ पे एक क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, साइड का क्यूब, यानी 2 × 2 × 2, राइट। 2 का क्यूब को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, सो 2 × 2 = 4 कैंसिल, फिर 2 × 2 = 4, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 10। तो यहाँ पे 10 आपके यहाँ पे क्यूब निकल के आएंगे। देखिए मैंने 2 × 2 = 4 किया, तो 2 × 2 = 4 होगा, 4 × 4 ऐसे कैंसिल हो रहा है, फिर एक 2 से ये 4 कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो 5 × 2 = 10 ऐसे निकल के आया, ठीक है। अगर कुछ लोग नहीं समझ पाए तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो 10 आपके यहाँ पे क्यूब फिट हो सकते हैं इस क्यूबॉइड में, ओके, जो कि ऑप्शन बी में आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ अ टैंक इज 60 किलोलीटर। तो देखिए किलोलीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, और ये 1000 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 m³ के इक्वल, यानी आप 60 किलोलीटर को 60 × 1 m³, यानी 1 m³ से मल्टीप्लाई करके 60 m³ लिख सकते हैं, ओके दोस्त। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, जो इसका विड्थ है वो है लेंथ एंड विड्थ, लेंथ कितना दिया है 5 मीटर, विड्थ कितना दिया है 4 मीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, ओके, ये आपका वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L × B × H, वॉल्यूम ऑलरेडी आपको पता है 60 है, L आपको पता है 5 है, विड्थ 4 है, और हाइट आपको निकालनी है, यानी डेप्थ निकालना है, तो ये आपका इंटू में आ जाएगा, यानी 60 में 5 और 4 से डिवाइड लगेगा, और 5 और 4 के बीच में इंटू होगा, करेक्ट। तो 5 × 5 कितना बचा, 1, तो ये 10 हो गया, 5 × 10, फिर 4 × 4, 4 × 3 = 12, राइट, ये आपका कितना आ गया 3, तो हाइट कितनी, यानी डेप्थ कितनी निकल के आ गई, 3 मीटर, तो 3 मीटर आपका आंसर, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप
गूगल प्ले स्टोर से टारगेट लर्निंग 5 ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। वहां से आप इस कोर्स को परचेस करके अशोका बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और आपको और भी इस कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे यहां पे हमको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हूज लेंथ विड्थ एंड हाइट आर रिस्पेक्टिवली 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है क्यूबॉइड, सीधे क्या कर दो, एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि 12 इंटू 10 इंटू 8। तो 12 10 जा 120, 120 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो लास्ट में जीरो तो आना ही है और 12 को डायरेक्टली आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 जा 96, राइट। तो ये 960 हो जाएगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, जीरो था ही आपका, फिर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96, तो 960 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर है जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग 5 मीटर वाइड ओके एंड 4.5 मीटर डीप, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड ओके, कितना लीटर ही पानी होल्ड कर सकता है ओके बहुत सिंपल है। तो आप क्या कर दो, एल इन टू बी इन टू एच निकाल दो, तो ये आपका किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। तो यानी आपका है 5 इंटू 4.5 इंटू कितना है आपका 5, अच्छा ये 5 लेना मैं भूल गया, इसको बाद में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 5 5 25, अब इसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 का टेबल आप डायरेक्टली भी पढ़ सकते हो अगर आपको आता है तो, वैसे बहुत आसान है। 25 5 125 कैरी 12, अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो 100 आएगा, 100 में 12 जोड़ो कितना आएगा 112, और ये लास्ट में एक पॉइंट देख रहे हो तो यहां से एक पॉइंट लगा दो तो ये 112.5 आएगा, लेकिन आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये आपका क्या है, मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कितना होता है, 1 लीटर 1 किलोलीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के इक्वल होता है, यानी कि आपका किलोलीटर है और आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोलीटर को आप लिख सकते हैं 1000 लीटर, यानी इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 112.5 इंटू 1000 करोगे आप तो ये कितना निकल के आएगा 1125, उसके बाद 20 और, तो 112500, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, ये आपका कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अच्छा लगता है कहीं गड़बड़ हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओ यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है, एक्चुअली 6 मीटर दिया हुआ है, मैंने गलती से 5 लिख दिया दोस्त, तो कोई बात नहीं, आप इसको 6 कर लो, 6 5 30, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, 30 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको 10, यानी ये 3 into 10 है, तो सीधे सीधे आप इसको 3 into 45 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो 3 का जीरो है इसको 0.5 के लिए यूज़ कर लीजिए, यहाँ से 0.5 में से पॉइंट हट जाएगा, तो सिर्फ ये 45 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 और 113, तो 135 मीटर क्यूब। तो बस इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है, यानी 1 किलोलीटर, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा 135000, राइट। तो यहां पे इसको आप लिख सकते हैं 135 इंटू 10 की पावर 3, और इसे आप अपने आंसर में मैच कर सकते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो ये भी आपका फिनिश हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड, यानी कितना ऊंचा इसको बनाया जा सकता है ताकि इतना पानी होल्ड कर ले, 480 मीटर क्यूब पानी को होल्ड कर ले, ठीक है। तो देखिए L इंटू बी इंटू एच क्या होता है आपका वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम आपको दिया है 480, तो डायरेक्टली आप 480 यहाँ पे रख दो, और 10 मीटर लेंथ है, 8 मीटर वाइड है, और आपको कितना हाइट पर रखना है वो आप h मान लो, और ये 480 हो जाएगा, तो h कितना आएगा 480 अपॉन में 10 इंटू 8, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 8 6 48, तो यहाँ पे आपको कितने हाइट पर रखना है इसको, यानी कितना इसका हाइट रखना है, 6 मीटर का हाइट रखना है, जो कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड ओके, यानी इस तरह से जोड़ा होगा, ध्यान से समझना दोस्त, बहुत सिंपल है, एंड टू एंड जोड़ा है, यानी फिर से ऐसे जोड़ा होगा और ये कुछ ऐसे बनाया होगा, राइट, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कोई नहीं, हल्का सा फिगर मेरी इतना अच्छा नहीं है, और थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इनको ऐसे चिपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये भी साइड है और 8 सेंटीमीटर ये भी साइड है, तो आप देख सकते हैं, देखो विड्थ में कोई चेंज नहीं है, वो आपका 80 रहेगा, हाइट में कोई चेंज नहीं है, वो आपका 80 रहेगा, सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, वो जो कि हो गई है 16 सेंटीमीटर की। अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होगा, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितनी हो गई 16 और आपकी हाइट विड्थ कितनी है 8 और हाइट कितनी है 8, तो देखिए 16 इंटू देख और 8 इंटू 8 है, तो कोई बात नहीं, 16 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 16 8 जा कितना हो गया 128, राइट। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 कैरी 6, फिर 8 2 जा 16 60 में 6 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 में 6 ऐड करेंगे 22, तो कैरी 2, फिर आपका कितना हो जाएगा 8 1 जा 8
8 में आप 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 1024 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। क्या किया मैंने, 16 8 जा 128, फिर 128 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 जा 64 कैरी 6, फिर 8 2 जा 16 में 6 ऐड करेंगे 22, फिर 2 आया 2 कैरी, फिर 8 1 जा 8, 8 और 2 10, तो 1024 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर निकल के आया, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पेंसिल बॉक्स मेजर 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 9 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 सेंटीमीटर इन हाइट, हाउ मेनी सच पेंसिल बॉक्सेस कैन बी पैक्ड इन अ कार्टन ऑफ 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 21 सेंटीमीटर हाई, यानी इतना बड़ा आपका कार्टन है राइट, ये डायमेंशन सारे इसके दिए हुए हैं, क्या बोला है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर ब्रॉड और 21 सेंटीमीटर इन हाइट। ओके और पेंसिल बॉक्स का डायमेंशन कितना दिया हुआ है आपको, सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं राइट। इसके डायमेंशन लिख लीजिए, तो ये 17.5 इन लेंथ, 9 सेंटीमीटर इन विड्थ और 2 सेंटीमीटर इन हाइट। ओके तो कुछ नहीं करना आपको, इस क्यूबॉइड में यानी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो क्यूबॉइड है उसमें इस छोटे वाले क्यूबॉइड से डिवाइड लगा देना है, आपको नंबर ऑफ पेंसिल बॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। यानी क्या करेंगे हम डायरेक्टली, ये करेंगे 45 इंटू 25 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 17.5 इंटू 9 इंटू 2, तो देखिए पॉइंट हटाएंगे आप तो आपका 10 ऊपर आ जाएगा और ये आपका 9 5 45। ओके और ये आपका कितना था, ये आपका 2 है। ओके दोस्त तो ये 2 5 10 और यहाँ पे कितना बचा आपका 5 है, देखो 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, फिर 2 बचा, 5 5 25। ओके फिर इसको काट लेते हैं एक और 5 से, 5 7 35, और फिर इसको काटते हैं 7 3 21, तो यहाँ पे 25 यहाँ पे 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट व्हाट 75, तो 75 ऐसे पेंसिल बॉक्स इस बड़े वाले कार्टन में फिट किए जा सकते हैं, जो कि आप ऑप्शन सी में यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की, और यहाँ पे आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ एच 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ लॉग ऑफ वुड ऑफ साइज 8 मीटर 5 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा वाला क्यूबॉइड है राइट, और एक इसमें छोटे क्यूब से आपको डिवाइड लगाना है, तब आपको पता लगेगा कि कितने आप यहाँ पे वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ब्लॉक्स। तो यहाँ पे देखिए ये आपका डायमेंशन है 8 मीटर 5 मीटर और ये आपका 80 सेंटीमीटर है, तो एक काम करो इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो यानी 800 इंटू 500, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इंटू में कितना आएगा आपका, ये 80 ऑलरेडी है। अब यहाँ पे एक क्यूब क्यूबिकल बॉक्स से डिवाइड मारोगे जिसका साइज कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 20 इंटू 20 राइट, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका साइज निकल के आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, फिर एक और जीरो कैंसिल, फिर यहाँ पे एक जीरो से आप ये वाला जीरो कैंसिल कर लो, ठीक है, तो ये कितना बचा आपका 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये 3 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचा है 500 इंटू और यहाँ पे कितना है आपका, सिर्फ ये आपका 8 है, तो ये कितना आ गया आपका 8 5 जा 40 और आपके डबल जीरो, तो 4000 यहाँ पे आपके क्यूबिकल ब्लॉक्स निकलेंगे राइट, तो ये 4000 आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है करेक्ट। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो अगर आप अशोका बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट लर्निंग 5 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। ओके तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।